We are down to the last act of the evening. Let's keep the energy up. Let's start clapping. Give it up for Mohd Suhel. What dumb am I? Like, I'm so dumb whenever I write something on WhatsApp, it doesn't say Suhel is typing, it says Suhel is trying. I was not able to do it. तो तीन जन हम जाते थे मेरे आगे पीछे रोल नंबर वाले स्मार्ट थे तो उन्हें जो आता था मैं वही बोल देता था नाम भी उनका ही बोल देता था फिर जिस दिन जिसमें मैं फेल हुआ ना वायवा में उसमें सर संखी था वो आया उसने रोल नंबर से नहीं बुलाया बस क्लास में घुसा बोला तुम वायवा देने आओ हम तीनों जिनको सेलेक्ट किया खड़े हुए हम लोग ने एक दूसरे की शक्ल देखी हम लोग समझ गए हम लोग में कोई भी वो वाला बंदा नहीं तीनों को कुछ नहीं आता फिर हम तीनों में से ना एक बंदा स्मार्ट था और मतलब वो स्मार्ट नहीं था हम तीनों में स्मार्ट तो उसने दिमाग लाया बोला देखो हमें कुछ आता था नहीं भाई ये बिल्कुल फैक्ट तो हम क्या करते चैप्टर्स के नाम याद करते सारे चैप्टर्स के नाम याद कर लेंगे फिर जब वो कुछ भी पूछे हमें कुछ आता तो होगा नहीं चैप्टर्स के नाम बोल देंगे वो खुश हो जाएगा कुछ तो बोल रहा पास कर देंगे ये मस्त आइडिया है बस इसमें एक लूप होल था कि हम तीनों में से किसके भी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 9 चैप्टर्स के नाम याद कर सकें तो हमने वो भी तीन तीन बांट लिए अब चैप्टर्स के नाम याद करके गए क्योंकि अब सिक्योरिटी हमारे पास कि कहीं से तो पास हो सकता है जाके बैठे उसने क्वेश्चंस पूछना चालू किया एक क्वेश्चन पूछा दो क्वेश्चन पूछा और मुझे कोई आइडिया नहीं उसने क्या पूछा मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता उसने क्या बोला अब ऐसा नहीं है कि अब टाइम हो चुका है इसलिए मुझे पता नहीं उसने क्या पूछा अगर उस टाइम वो जगह पे ही बस बोलता ना कि आंसर मत बताओ मैं जो क्वेश्चन पूछा है वो रिपीट कर हम तीनों मिल के नहीं कर पाते हम तीनों उसमें बोले सर प्लीज हिंट दे दो कहाँ से स्टार्ट होता है पूछे तीन चार क्वेश्चन पूछे उसने फिर उसको भी समझ गया कि इन तीनों में से कोई भी वो वाला बंदा नहीं तो अब हम अपने दिमाग में वेट करेंगे बस ये चैप्टर्स के नाम पूछे हम चैप्टर्स के नाम बोलेंगे फटाफट पास हो जाएंगे उस चूतिए ने सब्जेक्ट का नाम पूछा सब्जेक्ट का नाम पढ़ के ही नहीं आया तो सब्जेक्ट का नाम बताओ अब इतने फुद्दू नहीं थे सब्जेक्ट का नाम बता सब्जेक्ट का फुल फॉर्म नहीं पता तो सब्जेक्ट का नाम बताओ हमने बोला ECCF तो फुल फॉर्म बताओ कोई बात नहीं आईफोन के रिंगटोन वालों का लाओ करो गाने से फुल फॉर्म बताओ हमने बोला ECC और ई और सी मैंने याद किया था सी और एफ ओ दोनों याद कर गए मैं लीडर था इस टीम में बोला ECCF का फुल फॉर्म बताओ इसको समझ में ही नहीं आ रहा है हम तीनों ने रिदम में बोला ECCF Yes, and ECCF stands for like national anthem. Meri creativity dekhke bola mast. Ab full form batao. To hum tino mein jo smart tha usne aise haath upar kiya. To sir pagal ho gaya. 10 minutes से कुछ नहीं बोला बस तुम तीन बैठे जो आता है बोल दे हाथ क्यों उठा रहा है उसने बोला E for electronics
सर ने बोला मास्क. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का 25% आंसर तो दे दिया तुम तीनों. जाओ कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. हम आए फिर जब रिजल्ट आया मैं अकेला फेल हो गया. मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. मैं प्रिंसिपल के पास चला गया, मतलब वहाँ पे हम तीनों ने हारा था. मुझे अकेला क्यों फेल किया? तो ये चूतिए वो दोनों प्यून थे. तो सर संकित आया बोला तुम वाइवा देना, वो चले गए. मैं और डिप्रेस हूँ. प्यून को पता है, प्यून को पता है ये फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है. आपसे हर साल ना कॉलेज में जब इनॉग्रेशन डे होता है ना, तो हर कॉलेज में वो फेमस लोग का दिखाता है कि हमारे कॉलेज से ये फेमस हुआ, ये फेमस हुआ. तो वो सब दिखाने के बाद ना मेरे वाइवा की सीसीटीवी फुटेज दिखाते. खाली ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे फन काम भी होता है. देखो देश में बाकी कॉमेडियंस हैं, ऐसे तुम लोग हंसते हो ना तो वो खुश होते हैं. मैं जब भी ऑडियंस हंसती है मुझे प्रॉब्लम हो जाती है. जब भी तुम लोग हंसते हो ना मैं खुश हो जाता हूँ कि बस मैं बन गया कॉमेडियन. फिर मैं कॉलेज जाना छोड़ देता. ऐसे ही मैंने 6 महीने कॉलेज नहीं गया था. 6 महीने से रोज यही जोक करता था. मैं रोज आगे करता था, ऑडियंस खुश हो जाती थी. मैं कॉलेज नहीं जाता था. 6 महीने बाद क्लास टीचर का फोन आया कि 6 महीने से कॉलेज नहीं आया, कल से कॉलेज आ. राइट? ऐसे सक्सेसफुल लोग को बिना पूछे फोन कैसे कर रहे. लॉक कर दिया मैंने टीचर. उसके बाद एक क्लास के चोमू का मैसेज आया. उसका आधार कार्ड पे नाम वही है. मैसेज आया कि हमने नोटिस किया है कि तूने कॉलेज के फेस्ट में किसी भी इवेंट में पार्ट नहीं लिया है और सबको मैंडेटरी है. उसको रिप्लाई किया 6 महीने से कॉलेज नहीं आया तो ये लगता है मैं इवेंट में आऊँगा. अंताक्षरी में जगह खाली नाम डाल दो. लॉक कर दिया मैंने उसे. कॉलेज फेस्ट में अंताक्षरी कौन रखता है? फेस्ट कॉलेज में हो रहा है या बस में? इतना फुद्दू कॉलेज में. और ये सारे जोक्स है ठीक है, इसको कोई सीरियसली मत लेना प्लीज ठीक है. क्योंकि कल मैं यही जोक्स कर रहा था शो के बाद ना, एक बंदा आया, भाई कॉलेज क्यों नहीं जा रहा तू? कॉलेज जा, लाइफ खराब हो जाएगी तेरी. उसको समझाया मतलब भाई जब कुछ प्रॉब्लम है बता, मैं लेके चलता हूँ कॉलेज. खाली जोक्स है, मैं कॉलेज 4 साल से नहीं गया हूँ. ब्लॉक कर दिया. उसका तो नंबर भी नहीं मिलता. जिंदगी से ब्लॉक कर दिया.